चलो अब बच्चे लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लॉगरिथमिक सीरीज। अब लॉगरिथमिक सीरीज में होता क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। निशि बच्चे अपना माइक बंद कर लो प्लीज। चलो अब देखते हैं एक बारी लॉगरिथमिक सीरीज में। ये भी बहुत आसान है एक्सपोनेंशियल सीरीज की तरह। तो लॉग 1 + x का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 + x³/3 टिल अप टू इन्फिनिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉग 1 + x। अगर लॉग 1 - x का अगर हम पूछते हैं लॉग 1 - x दैट इज इक्वल टू x जगह क्या डालना है माइनस एक्स, तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। x + x²/2 + x³/3 टिल अप टू इन्फिनिटी ये आएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। लॉग 1 + x + log 1 - x। लॉग 1 + x + log 1 - x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे x से x कट जाएगा, -2x²/2 + x⁴/4 टिल अप टू इन्फिनिटी। अब इसी तरह इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? लॉग 1 + x - log 1 - x दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x + x³/3 + x⁵/5 टिल अप टू इन्फिनिटी। इसमें किसी को डाउट है बच्चे? अर्नब डाउट तो नहीं है फॉर्मूले में? नो सर, ठीक है। सर एक्स आप एक क्यूब ना किसमें? x³/3, लास्ट वन। हाँ ओके x³/3। अच्छा एक और फॉर्मूला याद रखना है लॉग टू का। लॉग टू का एक्स की जगह इसमें क्या डाल दें? वन। वन डालोगे तो क्या आएगा? 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 टिल अप टू इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है इसमें। बहुत जल्दी टॉपिक खत्म हो जाएगा। चार पांच देखते हैं एक बार क्वेश्चन लॉगरिथमिक सीरीज में। अब एक बार देखते हैं। आर्यन आर्यन यस यस सर। बच्चे मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। ये यस बताओ लॉग 1 + 2x है, लॉग 1 + 2x है, एक्स की बार एन का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बोलो। लॉग 1 + x का 2x - 2x का होल होल स्क्वायर स्क्वायर बाय टू अपॉन टू टू प्लस टू एक्स का प्लस होल क्यूब अपॉन थ्री, थ्री ठीक है? अब इसकी nth टर्म क्या आएगी कोई बता सकते हो? सर 2 to the power n upon हाँ एक्स की बार 3 का कोफिशिएंट क्या है? 2³/3। एक्स की बार 2 का क्या है? 2² / 2। पॉजिटिव नेगेटिव है, अभी देखते हैं। ये आएगा 2 की पावर 2x की पावर n/n। बट व्हाट इज द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चीज हम कैसे निकालते हैं? पहली टर्म का साइन क्या है आर्यन? पॉजिटिव। दूसरी टर्म का? नेगेटिव। तीसरी टर्म का? पॉजिटिव। ऐसे इसकी nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म निकालने के लिए ये जीपी मान लेते हैं -1 की पावर n-1। तो आंसर है -1 की पावर n-1 nth टर्म। तो जनरल टर्म क्या आएगी हमारी? -1 की पावर n-1 × 2 की पावर n/n। हाँ बोलो क्या डाउट है बच्चे? वाला कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। देखो बच्चे रितिका जैसे log 1 + 2x था, तो इसमें हमने क्या किया है? मैंने log 1 + 2x का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला पूरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अब यहाँ पे x की बार 2 का कोफिशिएंट जो दिख रहा है 2 की पावर 2/2 था, x की बार 3 का 2 की पावर 3/3 था, x की बार 4 का क्या होगा 2 की पावर 4/4 होगा, ऐसे ही x की बार n का क्या होगा 2 की पावर n/n। बट वॉट अबाउट द साइन? तो हमने पहली टर्म देखी वो पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है, तीसरी टर्म पॉजिटिव है, तो ये जीपी है, जीपी विद कॉमन रेशियो -1। तो उसका एन टर्म होती थी (a)r^(n-1), तो -1 (n-1). तो दिस इज द जनरल टर्म। बात समझ आ गई? यस सर। चलो एक और देखते हैं। सर हम डायरेक्टली भी तो केस बना सकते थे कि n इज इवन एंड n बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, मगर हमने जनरल n ऑड और इवन दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये। अच्छा स्वयं स्वयं यस सर। स्वयं इसका बताना log 1 + 3x जल्दी से बोलो। 3x - 3x² / 2 + 3x³/3 टिल अप टू 3x^n/n। और -1 की पावर क्या आएगा?
माइनस वन पावर एन माइनस वन, तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू थ्री की पावर एन डिवाइड बाय एन। ये बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा चलो, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि एक्स बार एन का, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या होता है गर्व, गर्व चलो, अर्नव। यस सर। अर्नव आपने बोलना बच्चे। अच्छा बच्चे अर्नव पहले ये बताओ कि वन माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? बोलो सर, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, वन माइनस एक्स ये होता है। चलो अच्छा, वन प्लस एक्स स्क्वायर को इंटू, एक मिनट सॉरी, वन माइनस एक्स क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो सर। एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वन माइनस एक्स बार फोर का क्या होगा, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस, नहीं ये वन प्लस आएगा, सॉरी मैंने गलती लिखी है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये होगा। अगर मैं वन माइनस एक्स की बार फाइव है इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये लिखूंगा, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की बार फोर। कोई डाउट है सर? तो मतलब हम उसका पावर बढ़ाते जाएंगे, मतलब बस और कुछ नहीं है, बस कुछ और इसका मतलब नहीं है, सही है, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब अर्नव एक और चीज बोलो, जैसे अगर log 1 माइनस एक्स बार क्यूब है, 1 प्लस एक्स क्यूब है, इसमें एक्स बार n का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स बार n का कोफिशिएंट निकालना है, क्या फॉर्मूला बनेगा, जल्दी बोलो पहले तो सर। सर x माइनस x की पावर 6 बाय 2 प्लस x की पावर, हाँ बोलते जाओ सर, x की पावर 9 अपॉन 3 टिल इनफिनिटी। अब अर्नव एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें इसी क्वेश्चन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछता हूं तो क्या आएगा सर? x की पावर 7 माइनस x की पावर 14 बाय 2 प्लस x की पावर 20। नहीं नहीं, x क्यूब की जगह नहीं बच्चे, मैं बोल रहा हूँ इस पूरी टर्म में x की पावर 7 दिख रहा है तुम्हारे को यहाँ पे? नहीं सर। तो x की पावर 7 अगर मैं इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछूं तो व्हाट इज द आंसर? ऐसी बोलोगे ना यहाँ तक? yes, बात sir. समझ आ रही? चलो अब एक और चीज पूछता हूँ। हाँ बोलो सर, x की पावर 7 का 0 कैसे हुआ? वो करेक्शन भी हो गया था। एक्स बार सेवन इसमें कोफिशिएंट है कहीं पे, दिख रहा है आपको? अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब चलो आर्यन तुम ही बोल दो, लॉग वन प्लस एक्स बार फोर है, सही है? यस सर। अब इसमें ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार फोर माइनस एक्स बार फोर का होल स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स बार फोर का क्यूब डिवाइड बाय थ्री। अब इसमें अगर मैं पूछता हूँ कि एक्स बार 12 का कोफिशिएंट क्या है, बताओगे? 1/3। और x की पावर 11 का क्या? 0। ये बात समझ आ रही है? yes, अब मैं इसी अगर मैं इसमें पूछता हूँ आर्यन, log 1 माइनस एक्स क्यूब है, सारी टर्म्स क्या आएंगी log 1 माइनस एक्स क्यूब में? नेगेटिव। सारी टर्म्स देखो एक बार, log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, ये वाला था, सही है ना? yes, सारी टर्म्स क्या आती है, नेगेटिव, ठीक है, सारी टर्म्स नेगेटिव है। तो log 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 बाय 2 एक्स की पावर 9 बाय 3 टिल अप टू सो ऑन। अब इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि x की पावर n का कोफिशिएंट बताना है, x की पावर n का कोफिशिएंट, n किसका मल्टीपल होना चाहिए फिर? 3 का, 3 का, n should be equal to 3m मान लिया हमने, सही है? तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स क्यूब नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब की पावर m, यही हो गया ना, डिवाइड बाय m। यस सर। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, n बाय 3। तो आंसर कितना आएगा, कोफिशिएंट माइनस 3 बाय n। सही है, बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है सर? मुझे नहीं आया वाला, क्या नहीं समझ आया बताओ, क्या नहीं समझ आया?
सर आपने क्या कहते हैं इसी पर पूछ लिए बच्चे, मैंने बोला x की पावर अगर लेट सपोज, कौन बोल रहा, नाम क्या है? सर मुकुल। मुकुल बच्चे एक चीज बताओगे कि x की पावर इसी में अगर मैं पूछता हूँ x की पावर 12 का कोफिशिएंट क्या आएगा, क्या बोलो? सर वो आएगा -1/4 आएगा ना। अब x की पावर n का अगर पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे x की पावर n का, यानी x की पावर 3 की पावर m, ठीक है, डिवाइड बाय m होगा विद नेगेटिव साइन, 3m मस्ट बी इक्वल टू n होना चाहिए, 3m मस्ट बी इक्वल टू n होना चाहिए तभी निकल सकता है n। यस सर। तो m की वैल्यू क्या हो गई, n / 3, तो आंसर कितना हो गया -3/n, m की वैल्यू -n / 3 डाली तब, ठीक है, समझ आ गई बस? ओके सर। यस चलो अब मुकुल तुम ही बोलो। यस मुकुल अब बताओ कि log अगर दे रखा है 1+x+x2, मेरे को x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, किसका निकालना है? x की पावर n। अब क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब इसको मैंने पहला स्टेप किया log 1 - x/(1 - x)(1+x+x2), व्हाट इज द आंसर? 7+log(1 - x). ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। log a / b क्या होता है? log a / log a - log b, ठीक है। अब इसमें से अलग से x की पावर n का निकालेंगे, इसमें से अलग, ठीक है। यस सर। अब इसकी सारी टर्म्स तो नेगेटिव आएंगी पहले वाले की, तो क्या आएगा? x³ + x³² / 2 x³³³/3। और इसमें क्या आएंगी सारी टर्म, बाहर नेगेटिव था इसलिए सारी टर्म पॉजिटिव रह जाएगी, x+x²/2x³³/3। अब इसमें से x की बार n का कोफिशिएंट बोलोगे क्या आ रहा है? इसमें आएगा, इसके अंदर आएगा 3n/n, सॉरी xn/n, तो 1/n बोल दूं? यस सर। अब इसमें से n की वैल्यू, n किसका मल्टीपल होना चाहिए? सर 3। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर क्या आएगा? -3/n। एक मिनट, 3 का मल्टीपल अगर नहीं होगा तो आंसर 0 होगा, ये बात समझ आ गई? यस यस सर। इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, पहला केस ले रहे, ठीक है, तो इसके इसका आंसर आएगा -x³/m/m, m 3m मस्ट बी इक्वल टू n, m इक्वल्स टू n / 3, द आंसर विल बी -3/n + दूसरे का आंसर 1/n, तो आंसर इज -2/n। कोई डाउट है? नो सर। समझ n is, क्या नहीं समझ आया, कौन बोल रहा है? विधि। विधि क्या नहीं समझ आया ये बताओ अब यहाँ पे। n is जो आपने लाइन लिखी उसके बाद समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, विधि मैंने इसमें से ना x की बार n निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने n 3m के बराबर मान लूं? यस सर। अब यहाँ पे लिखा तो कोफिशिएंट यही रहेगा x की पावर क्यूब की पावर m डिवाइड बाय m, आगे नहीं 3m, m की वैल्यू n / 3 डाल दूं तो आंसर आ गया -3/n इसका। ओके सर। और उधर से, और इसका तो 1/n है ही है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब इफ n इज Not a multiple of 3, सही है, तो इसमें से तो 0 आएगा और उसमें से 1/n आएगा, तो आंसर विल बी 1/n। कोई डाउट है? डाउट है? नो सर। चलो अब एक और देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है log 1+x+x²+x³, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, अब इसका आंसर बोलेगा कृष्णा। हाँ सर। हाँ बोलो बच्चे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? सर 1 - x (1+x+x²+x³). ये फॉर्मूला बन गया log 1 - x^4 - log 1 - x। कोई डाउट है कृष्णा? हाँ नहीं सर। समझ, अब इसका फॉर्मूला बोलो जल्दी से।
आएगा सर x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 4 फिर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x रेज़ टू पावर 4 क्यूब प्लस 3 फिर इनफिनिटी तक। कृष्णा यहां तक बात समझ आ गई? हां सर। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब इसमें दो केस बनेंगे, कौन कौन से जल्दी बोलो। सर इसमें एक तो आएगा सर माइनस फोर अपॉन एन प्लस इसका आएगा एन इज अ मल्टीपल ऑफ फोर तो एन इक्वल्स टू फोर एम डाल दिया तो नेगेटिव ऑफ एक्स की पावर फोर एम डिवाइड बाय एम आएगा तो एम की वैल्यू क्या होगी एन बाय फोर तो माइनस फोर बाय एन हो गया ठीक है और इसका तो हमेशा वन बाय एम प्लस वन प्लस एन और फिर वो जीरो वाले पे आएगा क्या अगर एन मल्टीपल ना हुआ फोर का एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ तो एन ये कितना आ गया जीरो प्लस वन बाय एन ये बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर। बात समझ आ गई? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो नेक्स्ट सर निशी हाँ बोलो। सर थर्सडे को मतलब आप एक बार बता दो कि फिर से किस किस सब्जेक्ट वो चैप्टर का टेस्ट है थर्सडे को। बता दूंगा अभी बता दूंगा लास्ट में जो जो भी होगा ग्रुप पे भेजूंगा ठीक है भेज दूंगा ग्रुप पे। अच्छा अब ये कहता है निशी सर एक सेकंड पिछली वाली स्क्रीन दिखा दो ठीक है ओके सर। अच्छा अब ये कहता है निशी यस सर। हाँ निशी अब आप बोलोगे निशी इसका आंसर बोलना है log 1 plus 3x divided by 1 plus 2x x की बार n निकालना क्वेश्चन समझ आ गया यस सर। क्या फॉर्मूला लगाऊं यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे निशी यस सर। अब इसमें से जल्दी से x की बार n का निकालो सर इसमें 3x minus 3x square upon 2 हाँ बोलो प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन हो जाएगा। अच्छा दूसरे का क्या आएगा दूसरे का 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन ठीक है। अब इसमें से x की बार n का क्या आएगा बोलो इसमें से आएगा ना निशी नहीं समझ आएगा निशी यस सर। क्या आएगा इसमें ये देखो x क्यूब का वर्ग क्या 3n अपॉन n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 ये बात समझ आ गई यस सर। अच्छा आप बोलो आगे वाले का माइनस 1 n माइनस हाँ 1 इनटू 2 इनटू n टू n अपॉन n बात समझ आ गई ये पूरा आंसर आ गया। डाउट है? नो सर। ठीक है x की बार n वाले क्वेश्चंस क्लियर हैं कि नहीं इसमें यस सर। अच्छा चलो अब ना मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़े से देखते हैं कि क्या क्या रह रहे हैं। अच्छा अब बोलेगा गर्व चलो गर्व को मल्लिका यस सर। मल्लिका बच्चे इसका आंसर बताना है आपने a माइनस बी बाय ए प्लस ए माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस वन बाय थ्री इंटू ए माइनस बी बाय ए का होल क्यूब टिल अप टू इन्फिनिटी इसका आंसर बता सकते हो इसका समेशन करना है बोलो बच्चे मल्लिका चलो मल्लिका की आवाज नहीं आ रही है लगा विधि यस सर। विधि तुम बोलो इसका समेशन करना है तो हम इसको अगर x मानते हैं तो व्हाट इज द दिस x स्क्वायर बाय टू x क्यूब बाय थ्री यही है ना बच्चे
यस सर तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस लॉग ऑफ 1 प्लस x सोच के बोलो बच्चे सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस x माइनस लॉग 1 माइनस x वेरी गुड बच्चे क्या होता है x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 टिल अप टू इनफिनिटी डाउट तो नहीं है अब x क्या है आंसर क्या आया है इसका माइनस लॉग 1 माइनस ए माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए द आंसर इज माइनस लॉग ए माइनस ए प्लस बी बाय ए तो माइनस लॉग बी बाय ए दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉग ए माइनस लॉग बी मैंने सॉल्व करके लिखा ये बात समझ आ गई बच्चे विधि 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 समझ नहीं आई बात अच्छा चलो आप बोलेगा कौन कुणाल कुणाल चलो उसको आवाज नहीं आ रही नंदनी Yes, sir. बच्चे इसका आंसर बोलना है इसका समीशन बोलना है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब टिल अप टू इंफिनिटी कैसे निकालेंगे समीशन क्या आएगा जल्दी बोलो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 वेरी गुड तो जो भी सॉल्व करके आ जाए आंसर ठीक है चलो अब देखते हैं इसका आंसर निकालना है तुम छोड़ दो अब ये कहता है कशिश यस सर इसका आंसर इसका आंसर प्रूफ करना है 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 2n प्लस 1 की पावर 5 टिल अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको log n प्लस 1 बाय n क्वेश्चन समझ आ गया हाँ जी सर अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए खाली कौन सी टर्म है ऑड टर्म खाली कौन सी टर्म है ऑड टर्म बोलो हाँ बोलो 1 अपॉन 2n प्लस 1 को x ले लेते हैं या a ले हाँ. लेते हैं चलो a तो ले लिया a प्लस a क्यूब बाय 3 प्लस a 5 बाय 5 टिल अप टू इनफिनिटी किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ ऑड टर्म्स में लॉग ऑफ 1 प्लस a माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस a ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना जो मैंने दिखाया अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये वाला ठीक है यस सर सही है अब बोलो यानी ये क्या फॉर्मूला बन रहा है जल्दी बोलो लॉग ऑफ 1 प्लस a x माइनस लॉग 1 माइनस a यही होता ना a क्या है 1 अपॉन 2 n प्लस 1 तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2n प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 2n अपॉन 2n प्लस 1 बात समझ आ गई अब लॉग a बाय b लगा दो इसमें लॉग 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 2n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ठीक है तो ये 2n प्लस 1 2n प्लस 1 कट गया लॉग ऑफ n प्लस 1 बाय n कोई डाउट है बच्चे नो सर यहां तक बात समझ आ गई हां जी सर चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कृष्णा हाँ सर कृष्णा ये क्वेश्चन बताना है आपने a माइनस 1 माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 टिल अप टू इनफिनिटी डिवाइड बाय b माइनस 1 माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस b माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 टिल अप टू इनफिनिटी प्रूफ करना है ये
log a to the base b प्रूव करना। क्वेश्चन समझ आ गया कृष्णा? हाँ सर। हाँ बोलो बच्चे, ऊपर का क्या फॉर्मूला बन रहा है? सर जैसे कि अब आ जाएगा सर a माइनस a स्क्वायर अपॉन टू प्लस a क्यूब अपॉन क्या होना चाहिए फॉर्मूला सर? आ जाएगा सर ये log 1 प्लस a माइनस 1 log a माइनस, और नीचे क्या आएगा? सर log इसमें आ जाएगा सर log b माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया log a, नीचे क्या आ गया log b, log b that is equivalent to log a to b equivalent। हां सर समझ आ गई बात? हां सर समझ आ गई बात। स्वयं? यस सर। स्वयं इसका आंसर तुमने बोलना है 1/3 1/3 × 3² 1/5 × 3³ till up to infinity, इसका सम निकालना है, बताओगे? यस सर। हाँ किसका बन रहा फॉर्मूला? किसी का बन रहा है? अभी तो नहीं बन रहा, सोचो फिर। देखें एक बार सोचो। ऑटम्स है, ऑटम्स। ऑटम्स तो नहीं है ना ये, देखो 3² 3³ 3³ वो ये 1 × 3 कर दो, सही है ना? नहीं बन रहा ना? नहीं। देखो थोड़ा सा मैं चेंज करो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं 1/√3 कॉमन ले रहा हूँ, 1/√3 प्लस 1/3 × √3 का होल क्यूब प्लस 1/5 × √3 5। देखना सही है कि नहीं है? यस सर। तो अब ये किसी का फॉर्मूला बनता है ये बताओ, किसी का फॉर्मूला है? 1/ किसका बन रहा है ये? सर ये बन रहा है, अब बताओ। यस सर। हाँ बताओ सर। हाँ 1/√3 बाहर आएगा और log 1 प्लस x माइनस log 1 माइनस x। और कोई चीज रह गई है हमारी? सर वो रैशनल एग्जांपल हो जाएगा बस। नहीं 2 नीचे आएगा, समझ आ रही बात? तीन टू नीचे क्यों आएगा? क्योंकि नहीं तो ट्वाइस होना चाहिए था। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो इसको सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आ जाए, ये बात समझ आ गई? यस सर। हाँ अर्नव, अर्नव चलो, गर्व चलो, क्या होता है, मल्लिका? यस सर। बताओ कैसे करेंगे इसको? 1/√3 कॉमन ले लेंगे। 1/√3 कॉमन लेके क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन? बच्चे आप क्वेश्चन को पढ़ो तो पहले। बताओ बच्चे, ऑड टर्म्स वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपका? बात समझ आ रही है? यस सर। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? बोलो log 1 plus 1/2। समझ आई है बात की नहीं? यस सर। क्लियर है ना पक्का? यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग है, यूनिक है, तो हम देखते हैं कैसे करना। आर्यन, आर्यन अच्छा, कशिश? यस सर।
कैसे इसका सम करना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो इसकी एनिट टर्म बता सकते हो? एनिट टर्म सर यस सर 2 4 6 एक मिनट 2 4 6 किस में है? एपी में। तो इसकी एनिट टर्म क्या आएगी? 2 + n - 1 × 2 ठीक है। यस। और दूसरे की क्या आएगी? 3 + n - 1 × 2। तो ये आ गई आपकी एनिट टर्म जो आ गई वो क्या आ गई? ये आ गई सर 2n + 1 × 2n + 1। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने आते हैं? यस सर। बताओ क्या आएंगे सर इसका? a/2n + b/2n + 1। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। मेथड ऑफ डिफरेंस के हिसाब से ठीक है। ओके यस। अच्छा अब छोटी टर्म माइनस बड़ी टर्म, ये बात क्लियर हो गई ना? अब एस एन निकालते हैं, एस एन निकालते हैं। पहली टर्म एन की वैल्यू 1 डालो कितना आएगा? 1/2 - 1/3। नेक्स्ट डालो एन की वैल्यू 2 डालो 1/4 - 1/5। ये समझ आया बच्चे? यस सर। कोई टर्म्स कट तो नहीं रही ना? नो सर नहीं कट रही। अच्छा आप देखो एक बारी 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 + 1/6 कोई सीक्वेंस बन रहा है? log 2 बताया था कुछ ऐसा, log 2 का क्या फॉर्मूला लिखवाया था? 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 till up to infinity। कहां से बन रहा है? 1/2 से बन रहा है ना? यस सर। तो पहले तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो log 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2 + 1/3 - 1/4 till up to infinity। इसका मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - log 2। समझ आ गई बात? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी है ये वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ढंग से सुनना क्योंकि इसमें डाउट आएगा। 5 मिनट की क्लास शायद दोबारा एंटर करना पड़े आपको। बच्चे इसका देखते हैं। ये कहता है 1/1 × 2 × 3 × 2 × 3 × 4 नहीं सॉरी मेरा क्वेश्चन है 1/1 × 1/2 × 2 × 3 × 1/3 × 4 × 5 + 1/4 × 5 × 6 till up to 1 minute कुछ गलती लग रही है। यहाँ पे 5 6 7 है, ये वाली गलत 5 6 7 टिल अप टू इनफिनिटी, इसका सम निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अच्छा अब इसके लिए मेरे को बोलेगा कौन? सिया सुधांशु चलो विधि। यस सर। विधि इसकी एनिट टर्म बोलोगे क्या आएगी? वन थ्री फाइव की एनिट टर्म क्या होती है? एन माइनस सही है। थर्ड की क्या आएगी एनी टर्म? 3 + n - 1 × 2। आप बोलो। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। इसके अगर पार्शियल फ्रैक्शन मानते हैं ना बच्चे तो ध्यान रखेंगे इसमें तीन टर्म्स है ना, तो हम ऐसे मानेंगे a/2n - 1 b/2n c/2n + 1 ऐसे मानते हैं इसके। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ये मानने का तरीका है, लास्ट के 8th और 9th क्वेश्चन में यही तरीका लगेगा।
आप इसका एलसीएम ले लो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए, ए इंटू टू एन इंटू टू एन प्लस वन प्लस बी इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन सी इंटू टू एन इंटू टू एन माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? वन इक्वल टू वन बोलो। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों साइड से कट गया ना एलसीएम लिया तो। ओके सर। ठीक है, अब ये कहता है अब देखो एन ए बी सी की वैल्यू निकालने, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो अपनी मर्जी से, टू एन की वैल्यू जीरो पुट कर दो, टू एन की वैल्यू माइनस वन पुट कर दो, टू एन की वैल्यू प्लस वन पुट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं? सही है। वन इक्वल्स टू कितना आएगा जल्दी बोलो, अगर टू एन की वैल्यू ये भी जीरो ये जीरो, यहाँ पे आएगा बी इंटू माइनस वन इंटू प्लस वन, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन, दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब टू एन की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं, वन इक्वल्स टू कितना आएगा, ए माइनस वन पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो बच जाएगा, सी इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू, दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब टू एन की वैल्यू वन पुट करते हैं, वन पुट करेंगे तो वन इक्वल्स टू कितना आएगा, ए इंटू टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी वन बाय टू, कोई दिक्कत बताओ? सर सी की वैल्यू वन बाय टू आ रही है। सी की वैल्यू वन बाय टू आ रही है। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है, वन बाय टू, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये ए बी सी समझ आ गया बच्चे ना, क्लास है ना शायद स्टॉप हो जाएगी, ए बी सी की वैल्यू याद रखेंगे, ए की वैल्यू वन बाय टू, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू वन बाय टू, स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका, मैं आगे कराऊंगा, दो मिनट बाद एंटर करेंगे, दो मिनट बाद एंटर करेंगे, खाली दो क्वेश्चन ही रह गए, ठीक है, दो मिनट के बाद एंटर करेंगे सारे, थैंक यू बच्चे।